नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं और खासतौर से इसी के लिए हैं तीन सेगमेंट। पहले बात होगी खेती किसानी की, बाद में हमारा पशुधन में आज आपको बताएंगे मुर्गी पालन के बारे में, और कामयाब किसान की दास्तां में आज आप देखेंगे एक युवा किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले बात करते हैं गांव किसान में खेती किसानी की। क्या है आपके लिए आज खेती किसानी में खास, आइए देखते हैं। मेरा नाम वैभव है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इधर का टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर बेस्टहॉट का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। ये नवोद्यम उद्भव का नवोद्यम अभिवृद्धि संस्था है IHR का, जो नवा उद्यमों को प्रेरित करने के लिए जो बागवानी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके लिए बनाया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DST से फंडिंग हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दो मॉडल का इंक्यूबेशन है। IHR में कम से कम 150 टेक्नोलॉजीज़ है। ये नॉलेज का महापूर है। ये टेक्नोलॉजीज लाइसेंस ले सकते हैं जो उद्यमी वो उद्यम शुरू करना चाहते हैं। 150 टेक्नोलॉजीज है जिसका लाइसेंस ले सकते हैं, जिसमें हम का व्यवस्था बना गया है उसमें हम इंक्यूबेशन दे सकते हैं। जैसे कि अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम जो IHR का ब्लॉकबस्टर टेक्नोलॉजी है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग एंड ZN सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिन्होंने भी इसका लाइसेंस लिया है और इंक्यूबेशन लिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से, सब ने बहुत उद्यम शुरू किया है। जैसे कि नेचुरा क्रॉप केयर है जो अभी इंडियन इंस्टीट्यूट इंडो ब्रेजिलियन इंक्यूबेशन क्रॉस बॉर्डर इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए भी सेलेक्ट हुए हैं। अभी इस संस्था में वर्षा अग्रोटेक और भवानी बायोकेमिकल्स, प्रगति ऑर्गेनिक्स, गणपत प्रोडक्ट्स, इन जैसे छोटे छोटे उद्यमें लाइसेंस लेके अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम का उत्पादन यही कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च में। इसका व्यवस्था इधर ही किया गया है, उनका ऑफिसेस भी इधर ही है, और इसको मार्केट करने के लिए हमारा एटिक संस्था, मतलब हमारा रिटेल संस्था, उसको हेल्प भी कर रहा है। इसके साथ हम ऑफ साइट इंक्यूबेशन मॉडल भी फॉलो करते हैं। जैसे कि इधर का प्रयोगित हुआ टेक्नोलॉजी ना हो मगर बागवानी के संबंधित या फूड प्रोसेसिंग के संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हो वो ऑफ साइट इंक्यूबेशन पे आ सकते हैं। इधर कम से कम 150 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे काम किया है। उसका मदद लेने के लिए मेंटरशिप कहते हैं, उनका मेंटरशिप लेकर हम उसको ऑफ साइट इंक्यूबेशन बनाते हैं। जैसे कि ये ऑफ साइट इंक्यूबेटीज है हमारा ZenTron लैब्स, जो मशीनरीज बनाते हैं मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर, जो सॉर्टिंग और ग्रेडिंग पर काम करते हैं। इस कार्यक्रम पे हम उनको बागवानी फल कैसे होते हैं और ग्रेडिंग कैसे करना चाहिए उन पे मेंटरशिप दे रहे हैं। जैसे कि कैमको का कुछ जैकफ्रूट के बारे में जानकारी चाहिए था उस पर मेंटरशिप दे रहे हैं। प्रिसिशन टेक्नोलॉजी में फसल नाम का एक टेक्नोलॉजी कंपनी आए थे, वो अभी अभी शुरू हुआ कंपनी है, उस पर हम का मेंटरशिप दे रहे हैं। उसके साथ बहुत सारे ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजन करते हैं बेस्टहॉट के तरफ से, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि टोमेटो को पूर्ण प्रमाण से कैसे उपयोग करें, सॉस बनाना या प्यूरी बनाना उस पर, या क्रश टोमेटो टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देना, शिटाके मशरूम का को कैसे ग्रो करें और उस पर एक उद्यम कैसे स्थापन करें, मशरूम के बारे में बहुत सारे ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद जो कनो पिकल्स बनाने के बारे में, जो फूड प्रोसेसिंग के काम पे सेक्टर में आते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम जानकारी देते हैं। उसके साथ अगर इस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो पेस्टिसाइड रेसिड्यूअल एनालिटिक्स, इसके बारे में अभी ट्रेनिंग होने वाला है अप्रैल के मंथ में। उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ वेजिटेबल्स, जो लाइसेंस के बिना का ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो वेजिटेबल्स के बारे में डिहाइड्रेशन कैसे करना है, रिहाइड्रेशन कैसे करना है, वेजिटेबल स्टैक्स कैसे बनाना है, उसके बारे में मार्च में हम ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। और उसके बाद वी आर ऑल्सो हैविंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन बनाना टिश्यू कल्चर, जैसे कि G9 हो या ALKI हो, जो बहुत क्लिष्टकर का टेक्निक है, उसके बारे में भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सारे जानकारी आप बेस्टहॉट, मतलब बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप सपोर्ट थ्रू टेक्नोलॉजी इन हॉर्टिकल्चर, ये टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ऑफ ICR IHR है, इधर ये सारे जानकारी मिल सकता है।
इसके बाद हम फ्यूचर में DST के जो दिया गया फंडिंग से वो एक वर्ल्ड क्लास फूड प्रोसेसिंग लैबोरेटरी इस्टेब्लिश करने वाले हैं, मतलब ओपन लैबोरेटरी हो और प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, इधर इंक्यूबेटर्स आ सकते हैं, इधर का इंक्यूबेशन लेकर इधर प्रोडक्शन कर इधर ही मार्केटिंग करें, ये हमारा इच्छा है, ताकि जितने भी कहो फूड प्रोसेसिंग हो सकता है उतना ज़्यादा हो, ये हमारा इच्छा है। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में हम इंक्यूबेशन दे रहे हैं और इसके साथ हम फॉर एग्जांपल बैंगलोर बायो इनोवेशन सेंटर एक बहुत पुर कहो इंक्यूबेशन सेंटर है जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से बनाया गया है, उसके साथ MOU भी क्या किया है, IIMB जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंगलोर है उनके साथ भी हम MOU करने वाले हैं जो बिजनेस इंक्यूबेशन के बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। बाहर के बहुत सारे तकनीक का तंत्रज्ञान और एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं ताकि IHR में जो नहीं है वो इंक्यूबेटर्स को मिल सकता है। ये IHR का टेक्नोलॉजी को लैब से लेकर लैंड तक, लैंड से लेकर फोर्थ तक टेबल तक लेके जाने का एक तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप रूट में। और इसी के साथ ही कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को डटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। उपज के भाव ताव, आवक का हालचाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए हमारा पशुधन में बात करते हैं मुर्गी पालन की। जी हाँ, किस तरीके से कम लागत में ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं और मुर्गी पालन करने से पहले प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है, क्या क्या फ़ायदे आपको इस क्षेत्र में मिल सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी की सारी गिर गाय हैं। वैसे भी हमारे धर्म के मुताबिक गौ सेवा करना तो हमारा परम धर्म है और इनकी सेवा करके हम धर्म भी कमाते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे दूध देती है गाय, तो दूध भी इसका तो ज़्यादा स्फूर्तिदायक है और गुजरात से आता है, तो इसकी कहते हैं कि इसके जो ऊपर उठी हुई जगह है ठोडी बोलते हैं, तो उसमें सूर्य की किरणें आती हैं, तो उसके कारण उसके असर जो है दूध में भी जाता है, घी में भी जाता है, तो हर चीज़ में है, उसके मूत्र में भी जाता है, तो उसका सेवन करने से भी फायदा रहता है। तो ये तो हो गया कि गिर गाय के क्या फायदे हैं। बाकी इसके गोबर से खाद बनती है, तो खाद जो है वो खेतों में डालते हैं, उसी से हम चारा जहाँ पे जो आता है वो देसी खाद का ही तैयार करवाते हैं, तो उसी से चारा आता है, तो वो भी पवित्र मिल जाता है। अदरवाइज तो क्या है, फर्टिलाइज़र वाला चारा जो है बाज़ार में सस्ता भी मिलता है, मगर उसके बजाय हम सोचते हैं कि गाय को भी पवित्र मिल गया और आगे जो गाय पवित्र खाएगी तो पवित्र ही उसको उसका दूध निकलेगा, तो सारा कुछ बढ़िया मिलेगा। बाकी इनके खाने के लिए अनाज में गेहूं वगैरह देते हैं, साथ में गुड़ भी देते हैं जो भी है, और दूसरे चना छिलका वगैरह ये सारे का सारा इनको मिलता है। गुड़ का भी सेवन होता है, साथ में कैल्शियम का भी साथ में ध्यान रखा जाता है, तो ये टाइम टू टाइम इनका चलता रहता है। जहाँ पे जो आदमी रहते हैं वो सुबह 3 बजे तकरीबन उठ जाते हैं, उसके बाद इनको चारा डालते हैं, फिर 4 बजे के करीब दूध निकालते हैं, उसके बाद इनको गायों को खुला बाहर छोड़ दिया जाता है ताकि इनकी एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाए, चलती फिरती हैं, खुली रहती हैं, तो उसके बाद 12 बजे के करीब सफाई सफूई करने के बाद दोबारा इनको चारा डाला जाता है, तो दोबारा अंदर शेड में आ जाती हैं, और शाम को फिर 4 बजे के करीब दोबारा दूध निकाल लिया जाता है, फिर चारा डाल के पूरी रात अंदर ही रहती है। पंखे लगे हुए हैं सारे, इसके ऊपर चद्दर है
तो गर्मियों में हमने क्या किया हुआ है कि ऊपर चादर के ऊपर हरा घास भी डाल दिया हुआ है ताकि हीट नीचे ना आए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कपड़ा लगाया हुआ है नीचे, इससे क्या है हीट थोड़ी रुकती है। और सर्दियों में भी जब ठंड पड़ती है तो उसके कारण ठंड जो है वो क्रॉस नहीं कर पाती, इस कपड़े में रुक जाती है तो कम लगती है। और सर्दियों में जहाँ पे साइड पे जो है वो टाट लगा दिए जाते हैं ताकि अंदर ठंड ना आए, तो ठंड से भी बचाव हो जाए। और गर्मियों में तो खुला छोड़ देते हैं और कूलर भी लगे हुए हैं ताकि गायों को वो इतनी हीट भी ना मिले। वैसे जे देसी गाय होने के कारण हीट का ज़्यादा इस पर हीट स्ट्रोक का डर नहीं रहता। जैसे अंग्रेजी गायें हैं, जर्सी वगैरह हैं, उनको क्या है कि हर समय कूलर में रखना पड़ता है, इसके लिए वो ज़रूरत नहीं है। जो देसी गाय का दूध सुन के नॉर्मली भी 100 रुपये तक लोग तैयार हो जाते हैं कि 100 रुपये का ले लेंगे, वो इसीलिए कि लोग भी थोड़े जागरूक हैं कि देसी गाय का दूध मिल जाए तो अच्छी बात है। जितनी जो पास में गौशाला वगैरह भी हैं, आपने कृष्ण गौशाला सुना होगा, तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि देसी गाय का दूध जो है वो दूसरे दूध के मुकाबले में वो भी 10 रुपये कॉस्टली बेचते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छी चीज़ की कदर है तो लोग खरीदना भी चाहते हैं, मगर अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि हमारे को गीर गाय का दूध चाहिए, मगर वो दूध की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर पहुँचाना और उनको लेना वो पॉसिबल नहीं है। मेरे 2-4 दोस्त हैं सोनीपत में ही हैं, वो कहते हैं कि सोनीपत में किसी ने रखी हो तो हम 150 रुपये में भी ले लेंगे, मगर दिल्ली से लाने में तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉसिबिलिटी नहीं रहने के कारण पीछे रह जाती है। तो अगर कोई इंटीरियर में रखे और लोगों को पता लग जाए कि ये देसी गाय का दूध है और इसके जो फ़ायदे हैं तो डेवलप हो सकता है। युवाओं को तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी भी कोई भी काम है, कोई काम बुरा नहीं होता, हमारा वर्किंग जो है वो ख़राब होता है। हम वर्किंग को बढ़िया रखें तो युवाओं के लिए वो बहुत अच्छा संदेश है कि वो कोई भी काम करें, ये काम कर लें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देसी के नाम से जब चीज़ देंगे, आज देसी का कोई भी है, सब्जी भी आप देसी मांगते हो तो खीरा भी लेते हो तो देसी का जो है वो स्वाद अलग है, तो उसी मुताबिक जो है इसका भी दूध पी के देखें, इसका टेस्ट भी अलग आएगा, इसके घी का भी गुण अलग आएगा। बच्चा बच्चा जानता है, नेट पे खोलो तो गीर गाय के दूध के रेट और घी के रेट भी लिखे होते हैं गुजरात में कि 2500-3000 रुपये किलो बिकता है, दूसरा जबकि दुकानों पे जो है वो 300-350 रुपये में बिकता है, मगर लेने वाला जो है वो बोलता है मेरे को प्योर चीज़ चाहिए तो वो 2500 रुपये खर्चने के लिए तैयार भी है। इसका मतलब क्या है कि बायर है मगर सेलर नहीं है। सेलर के पास चीज़ होगी तभी बिकेगी ना, आपके पास स्टॉक में कुछ नहीं है तो क्या बेचोगे। तो उस हिसाब से अगर युवा करे तो देसी गाय का रख के उसका दूध घी वगैरह बेचे तो इसमें कमाई का साधन हो सकता है। और अब गांव किसान में वक्त हो चला है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का, यानी किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, क्या कुछ सावधानी आपको रखनी होगी अपने पशुओं के साथ, जान लेते हैं इस महीने के पशुपालक कैलेंडर में। जुलाई में ध्यान देने वाली बातें। जुलाई में अधिकांश हिस्सों में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है तथा कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। ऐसे में गर्मी व नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाएं। कीचड़ और बाढ़ आदि का प्रभाव पशुओं पर न्यूनतम हो, ऐसे उपाय अभी से करें। वर्षा जनित रोगों से बचाव के उपाय नहीं भूलें। अतः परजीवी व कृमि नाशक घोल या दवा देने का समय भी यही है। अगर मुंह पका, खुर पका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हो तो कृपया अभी लगवा ले। विशेष रूप से व्यस्क भेड़ और बकरियों को फड़किया रोग का टीका लगवाएं। पशु ब्याने के 2 घंटे के अंदर नवजात बछड़े व बछड़ियों को खीस यानी प्रथम स्तन्य अवश्य पिलाएं। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं के ब्याने के 7 से 8 दिन तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना अधिक होती है। इस रोग से पशु को बचाने के लिए उसे गाभिन अवस्था में उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम माह में पशु चिकित्सक द्वारा लगाए जाने वाला विटामिन ई व सिलेनियम का टीका प्रसव उपरांत होने वाली कठिनाइयों जैसे कि जेर का ना गिरना इत्यादि में लाभदायक होता है। अतः पानी के साथ 5 से 10 ग्राम चूना मिलाकर या कैल्शियम,
फास्फोरस का घोल 70 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन भी दिया जा सकता है। सिंचित हरे चारे के खेतों में पशुओं को नहीं जाने दे, क्योंकि लंबी गर्मी के बाद अचानक वर्षा से जो हरे चारे की बढ़वार होती है उसमें साइनाइड जहर पैदा होने से चारा जहरीला हो जाता है। ये ज्वार की फसल में विशेष तौर पर होता है। ऐसी फसल को समय पूर्व कच्ची अवस्था में ना काटे और ना ही पशुओं को खिलाएं। चारा घासों की रुपाई करें और बढ़ रही घास की कटाई 40 से 50 दिनों के अंतर पर करते रहें। संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, ज्वार, बाजरे की, लोबिया व ग्वार के साथ मिलाकर बिजाई करें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणु नाशक घोल से भिगोएं। और इसी के साथ ही गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे एक युवा किसान की कामयाबी की कहानी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 और 7:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट, जिसमें आपको बताते हैं कामयाब किसान की दास्ता। आज जो दास्ता आपके हम लेकर आए हैं वो है कि युवा किसान की, कैसे इन्होंने सफलता की राह चुनी और उस पर कामयाब होते गए, आगे बढ़ते गए और साथ ही इतनी कम उम्र में दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आइए देखते हैं इनकी ये कामयाबी की दास्ता। आज के हमारे कामयाब किसान में देश के हृदय मध्य प्रदेश से 28 साल के एक जैविक किसान आकाश चौरसिया सागर में मात्र 3 एकड़ खेत में मल्टीलेयरिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए वो कमाल कर रहे हैं, जो सिर्फ सागर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के किसानों के बीच जानने, समझने, सीखने की प्रयोगशाला बन चुके हैं। आकाश अन्य किसानों को भी जैविक खेती तथा मल्टीलेयरिंग फार्मिंग का प्रशिक्षण मुफ्त देते हैं। जून 2011 से मैं खेती का कार्य कर रहा हूं और सबसे शुरुआत में जो है हमने टमाटर की फसल से अपनी खेती का काम चालू किया था। बहुत छोटी सी ज़मीन से, लगभग 10 डिसमिल भूमि से हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये काम चालू किया था 2011 में। फिर धीरे धीरे करके 2012 में कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आया और डॉक्टर यादव साहब के संपर्क में आया और धीरे धीरे करके फिर बड़े एरिया में हमने करना चालू किया, 2.5 एकड़, 3 एकड़, और 3 एकड़ में फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया। टमाटर के बाद बैंगन, मिर्ची, करेला, लौकी, गिलकी, तमाम तरह की फसलों पर काम किया और उसके बाद जो है हमने देखा कि किसानों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हमें विस्तृत रूप से अगर जैविक खेती को आगे बढ़ाना है और जन जन तक ये पहुंचाना हर एक खेत में, तो हमें एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि फार्मर के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, कहीं खाद की समस्या है, कहीं बीज की समस्या है, कहीं दवाई की समस्या है, कहीं कीड़ों की समस्या है, कहीं खरपतवार की समस्या है, तो कहीं क्लाइमेट चेंज की समस्या है। तमाम तरह की समस्याओं से किसान आपस में घिरा रहता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो, एक मार्जिनल फार्मर इन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए कैसे एक प्रॉफिट जनरेट करे, अपनी पॉकेट मनी को बढ़ाए, वो एक सवाल दिमाग में घूम रहा था। तो 2014 में
हमें एक लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान में आया, तो उसमें हमने एक साथ एक ज़मीन पर दो फसलों का एक्सपेरिमेंट किया। ज़मीन के नीचे एक अलग कंद वाली फसल को उगाया, फिर एक छायादार हमने शेड बनाया 7 फीट की हाइट पर, उस पर हमने एक बेल वाली फसल को प्लान किया। दोनों फसलें काफ़ी अच्छी हुई। फिर 2015 में हमने 3 लेयर मॉडल पर काम किया, 2014 में फिर 4 लेयर मॉडल पर काम किया, जिसमें हमने एक साथ एक ही ज़मीन पर 4 फसलों को उगाया। क्रमशः ज़मीन के अंदर अदरक को लगाया, फिर ज़मीन के सरफेस पर लीफी वेजिटेबल्स को लगाया, फिर उसके ऊपर हमने 7 फीट हाइट के ऊपर मंडप बनाया, तो उसमें हमने बेल वर्गीय सब्जी को लगाया, और फिर उसके बाद हमने पपीते का प्लांटेशन किया जिसमें वो 8 फीट की हाइट पर फला। तो 8 फीट की हाइट पर हमारा पपीता फला, 7 फीट की हाइट पर हमारी बेल वाली फसल फली, और ज़मीन पर हमारी पत्ती वाली सब्जी, और ज़मीन के अंदर हमारी कंद वाली सब्जी। तो इस तरह से एक साथ एक ज़मीन पर हमने 4 फसलें उगाई, और 4 फसलों से हमारा अनुभव जो रहा वो अनुभव ये रहा कि हमें जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे खाद हो, बीज हो, खरपतवार हो, कीड़े हो, क्लाइमेट चेंज हो, या कम पानी की दिक्कत हो, इन सारी दिक्कतों का समाधान हमें एक मंच पर मिला, वो मल्टी लेयर फार्मिंग से। और साथ में हमारा उत्पादन भी 4 से 5 गुना बढ़ा, क्योंकि जब आप 4 फसल उगाते हैं तो 4 गुना आपका प्रोडक्शन हो जाता है, और हमारे खर्चे लगभग 4 से 5 गुना कम हुए। तो हमने देखा कि हमारा नेट प्रॉफिट नॉर्मल से, सामान्यता से 8 से 10 गुना बढ़ा। तो जहां पर किसान 1 लाख रुपए कमा रहा था, वहां पर हमारा 7 से 8 लाख रुपए का फिगर गया, और नेट प्रॉफिट हमने 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ का गेन किया। फिर उसके बाद हमारा 3 एकड़ में हमने ये पूरा लेयर फार्मिंग चालू किया, और अभी वर्तमान में हमने एक्सटेंशन करके 17-18 एकड़ भूमि पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें मल्टी लेयर फार्मिंग भी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी है, ग्रेन क्रॉप भी है, और तमाम तरह की फसलें हैं, गौपालन भी है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग, इस तरह के सभी तरह के मॉडलों पर हम काम कर रहे हैं। तो देखिए, आपने एक युवा किसान की कामयाबी की दास्तां, हम उम्मीद करते हैं ऐसी दास्तां आपकी भी हो, और आप भी दूसरे किसानों तक नई नई जानकारी जो है वो पहुँचा सकें। हम भी लगातार आप तक सारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।